तो आज का हमारा सवाल है, क्वेश्चन है हमारा कि Xiaomi जो हम सारे के सारे स्मार्टफोन में उसके खुद के जो आयर ब्लास्टर देती है वो सारी स्मार्टफोन कंपनीज क्यों नहीं देती। ऐसा तो नहीं है कि Xiaomi का इसे उसको उस पर अधिकार है कि हम ही देंगे। तो देखो इसका सिंपल है कि कुछ मतलब आंसर है, पहले तो ये बता दूँ आपको कि Xiaomi के फोन्स में आता है, Yamaha के फोन्स में आता है और पोको के फोन्स में भी आता है और ये सभी एक ही है, मतलब सब ब्रांड से Xiaomi के, इतना आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि आप बोलोगे पोको में आता है, Xiaomi में आता है, Yamaha में आता है, ऐसा नहीं है, सारी की सारी कंपनीज एक ही है, सब ब्रांड से सभी के बच्चे हैं सब Xiaomi के। तो अब हम बात करते हैं कि सारी स्मार्टफोन कंपनीज क्यों नहीं देती। तो सबसे पहला पॉइंट बता दूं आपको कि सारी की सारी कंपनीज का मेन मोटो क्या रहता है, कॉस्ट में कटिंग, जितनी हो सके उतनी कटिंग हो, यूज़र को एक्सपीरियंस अच्छा मिले, स्लिम और बहुत ज़्यादा थीन, ठीक नहीं, थीन बनाने का उनका एक मोटो होता है। और आपको पता होगा कि जितने सारे रिव्यूअर है जो कि स्मार्टफोन को रिव्यू करते हैं वो भी वेट के बारे में बहुत एक मतलब पॉइंट रखते हैं कि हाँ इसका वेट इतना है। और जब ऑफिशियली मोबाइल स्मार्टफोन लॉन्च करती है कंपनीज अपने, तो वहाँ पे भी वो अपने लंच इवेंट में बताते हैं कि इन स्मार्टफोन का वेट कितना है। तो वेट का भी एक बहुत ज़्यादा एक मायने है आजकल के हमारे हिसाब से, मतलब हम यूज़ करते हैं ये फ़ोन बहुत बल्कि है या भारी है या हल्का रखता है, हल्का लग रहा है लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। यही सब पॉइंट से हम बोलते हैं ना ऐसे कि इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो आयर ब्लास्टर को नहीं देती। और इसका और एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इन सभी स्मार्टफोन को यूज़र की तरफ से फीडबैक ही तो नहीं जाता कि हमें आयर ब्लास्टर चाहिए। और आपको पता होगा कि जब रिव्यू होते ही स्मार्टफोन के तो कोई भी रिव्यूअर आयर ब्लास्टर के बारे में बताता ही नहीं है। क्यों बताएंगे, क्यों उसको मतलब ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, बस उसका यूज़ उसके लिए ही है जब हमारे स्मार्टफोन में आयर ब्लास्टर हो और सामने प्रोजेक्टर हो, हम क्लास में हो और प्रोजेक्ट वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है तो हम काड़ा कर सकते हैं उसमें, मतलब कुछ तो कर सकते हैं उसको कनेक्ट करके। और अगर किसी सेमिनार में हो और अगर एसी है वहाँ पे बंद है, बटन चालू है वैसे, लेकिन अगर किसी ने रिमोट से बंद करके रखा है तो हम अपने स्मार्टफोन से उसको एक्सेस कर सकते। तो इन ये बहुत सारे मतलब यूज़ करने के तरीके आयर ब्लास्टर को। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है अगर उसको रिमोट है तो हम अपने मोबाइल से यूज़ करते। और देखो मैंने ऐसे पॉइंट्स आपको बताए जो कि मतलब ठीक है सभी इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, तो अमेजोन का भी असिस्टेंट है, गूगल का भी असिस्टेंट है, एप्पल का भी अपना असिस्टेंट है, तो इन सभी असिस्टेंट की वजह से हम अपने वॉइस के थ्रू सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो आयर ब्लास्टर का इतना मतलब कुछ नहीं रहता। अगर हम गूगल से भी सब कुछ कनेक्ट करें तो हम हमारे स्मार्टफोन से सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, हमारे घर में एक होम को हम एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आते हैं तो उनके साथ एक मतलब इंटीग्रेटेड ऐप भी आती है और हम कंपनीज बोलते हैं कि इस ऐप को इंस्टॉल करके आप इस इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो वहाँ पे आयर ब्लास्टर का इतना मतलब नहीं रहता कि अगर आप हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ अप्लायंसेस के साथ एक ऐप को दे रही है तो आयर ब्लास्टर का इतना यूज़ करना जरूरी है। क्योंकि हम यूज़ कौन सी करेंगे, जो उसके ऑफिशियली ऐप है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हमें सबका सब कुछ डाटा भी दिखाएगा और जो काम करना है हम अपने रिमोट से वो भी कर सकते हैं उसी ऐप के अंदर। तो इन्हीं सभी कारणों के वजह से, रीजंस के वजह से स्मार्टफोन कंपनीज हमें आयर ब्लास्टर नहीं देती। वो बात अलग है कि Xiaomi हमेशा देती है तो उनका एक लाइक उनके लिए जो भी यूज़ करते हैं, तो जिन्होंने भी क्लास में यूज़ किया है लाइक ज़रूर दबा देना क्योंकि पता चलेगा हाँ भाई इतने लोगों ने यूज़ किया है। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से मैंने बहुत बार बोला आपको, क्योंकि इसके सिवा कुछ है ही नहीं। मैंने देखा बहुत सारे कंपनीज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखा, मैंने क्वेश्चंस भी देखे, मुझे जो जो इम्पोर्टेंट्स मिले और जो मुझे लगा कि हाँ इनके वजह से हो सकता है, जो Quora.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक आपको प्रॉपर आंसर मिलता है, मैंने वहाँ से भी बहुत सारा लिया इसका डाटा। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमें जो स्मार्टफोन कंपनीज है बाकी के हमें नहीं देते, क्योंकि यूज़र इसके मांगे नहीं करते, मतलब नहीं इतना नहीं लेते कि हाँ हमें चाहिए। तो यही सब कारण है। तो इस वीडियो में नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा कि आयर ब्लास्टर Xiaomi ही स्मार्टफोन के मतलब Xiaomi की स्मार्टफोन में आता है ज़्यादातर, क्योंकि Xiaomi इसको देती है, पता नहीं क्यों पर देती है, तो अच्छी बात है, तो लाइक तो ज़रूर होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतने था, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बस इतने था इस वीडियो में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो यार, रोड साइड ईयरफोन को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर ईयरफोन पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सही है या
रोड साइड ईयरफोन को लेने के बाद अपने कानों पे इन्वेस्ट करना सही है पैसों को। हाँ वही तो, बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।